ना पूछो कैसे हिम्मत कर रहे हैं, मुल्क पर जो हुकूमत कर रहे हैं, जो जलसों का तमस्कर थे उड़ाते, वो जलसों पर कनात कर रहे हैं। मुफाहमत है कि नजर ही नहीं आ रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल हैं? एकदम फिट सर। अच्छा? स्मार्ट सियासतदान लग रहे हैं। अरे वाह, जैसे आजकल यंग सियासतदान होते हैं ना सर, वैसे लग रहे हैं आप। एक जो सियासतदान अपने वोटरों कह रहे होंगे, जिन्ना मर्जी जोर ला लो मैं जितना नहीं जी। योजे सियासतदान जीत के भी कहें दोबारा गिनती करा लो, एवं मिठाई ना पवा दे। जब ये इलेक्शन जीत गए तो साफ ही नहीं आ गया, पूछा आप जीत गए हैं तो अब आप क्या करेंगे, तो कहने लगे 2 महीने नींद पूरी करूंगा। यो जे सियासतदान इलेक्शन वाले दिन अपने वोटर पूछते होंगे मेरा इंतखाबी निशान की है। योजे सियासतदान को इलेक्शन से जाके कहें ना जी महल वाले कि तुम कहते हो जित के गलियां पक्या करावा, कहते करा दें जरा इट तो सस्ती हो लें। अच्छा, ऐसे सियासतदान अपने वोटरों को ये भी कहते थे ओए बैनर तो मेरा नाँ ना लिखाना मशहूर हो जाएगा। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं पंजाब के अंदर और साथ ही साथ मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फॉर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, जनाब मियां मोहम्मद आतिफ। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्टर मोहतरमा मायदा भट्ट। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह मियां साहब, और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ जी मायदा भट्ट जी के लिए। मॉडलिंग करते करते मायदा आ गई हैं अब एक्टिंग में। मॉडलिंग करते करते मायदा आ गई हैं अब एक्टिंग में। शोबिज के दोनों फन एक दूजे से यूं मिलते हैं जैसे गर्मी सर्दी और खिजां के बाद ही आखिरकार फूल बहार के खुशबू लेकर चारों जानब खिलते हैं। खिलते हैं। हर एक ते डुल ना जावी, सजना सानू भुल ना जावी, हर एक ते डुल ना जावी, सजना सानू भुल ना जावी, हसदा वसदा वेड़ा छड़ के गलियां दे विच रुल ना जावी। तब्दीली जब तक ना आई तब तक सताएंगे, सताएंगे आप ना भी सुनेंगे फिर भी बातें सुनाएंगे, सुनाएंगे। पाकिस्तान में तो त्रीन साहब वापस आ गए हैं, अब पार्टी में कब वापस आएंगे? आदर साहब क्या हाल है जी? अल्लाह, ये मियां पीटीआई में क्या कर रहा है? क्यों जी, मियां पीटीआई में नहीं आ सकते? मियां तो हर जगह पे होते हैं, आप पीटीआई में ही आ गए। मियां वहां भी अकेले आके आप खड़े हुए ननकाना साहब में, बाकी आपके इर्द गिर्द सारे दूसरे हैं जी। बिल्कुल, सारी नून लीग जीती है जी। हाँ, आप अकेले कैसे निकाल गए? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने मेरी माँ बाप की दुआओं से मुझे। जो बाकी हारे उनका क्या मसला था? तो फिर वो क्यों ना जीते? ये तो जी मुकद्दर की बात। इन्हों वोटा भला क्यों थे मिलिया? जाके कह रहे हैं कि तुम भी किसी के मियाँ जे तो मम्मी मियाँ हो, चारों तरफ आपको घेरा हुआ है नून लीग वालों ने और बीच में एक आप अकेले खड़े हुए हैं। मुझे वो याद आ गया कुछ पिछले इलेक्शन में फैसलाबाद में इस तरह का मंजर था जी। बिल्कुल, और वहाँ पे भी एक ही एमएनए उनके पास और आस पास सारे नून लीग वाले थे, मगर सिर्फ फर्क यह है कि इस बार आप लोग हुकूमत में हैं और पिछली बार वो लोग नहीं थे। मगर कैसा फील होता है वैसे? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा प्राउड फील करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो आसपास के दोस्त हैं वो लेफ्ट आउट फील करते हैं? जो जब हमारी पार्टी अपोजिशन में थी तो हम लोग भी ऐसे ही फील करते। कभी होवे नून लीग वाले ने तो डिस्टर्ब नहीं दिवा कड़ती होवे? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं। नहीं अब तो नहीं ना, वो पहले होती नहीं, पहले भी नहीं। मायदा आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने शो देखा हुआ?
बिल्कुल देखा हुआ है। तो सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई इम्प्रूवमेंट हमें बताना चाहती हूँ? आप लोगों को इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना अच्छा शो कर रहे हैं कि रिटायर हो जाए। अच्छा नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो अच्छा खेले वो रिटायर तो नहीं होना चाहिए उसको। ये बातें आप लोगों को पता है, हमें नहीं। जब हम बुरा करेंगे ना फिर आप हमें भी लंदन भेज दिए। वो इंशाल्लाह ताला जो जो बुरा करता जाएगा मेरे मुल्क के साथ वो इंशाल्लाह जाता जाएगा। अच्छा ये वैसे अच्छा है, वो अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही जाएगा। जाने दे जी, जान छुड़ाएं। ये अच्छा है कि जाने दे, मतलब आपने सब कुछ किया और आप बाहर निकल जाएं, ये अच्छा है। ये अगर इधर रहेंगे तो फिर कोई ना कोई सिस्टम ऐसा चला लें। तो ये फैसिलिटी तमाम लोगों के लिए मौजूद है क्या? नहीं अभी तक तो मेरे ख्याल जो बड़े हैं कुछ चंद एक उनके लिए है। उनके लिए वैसे सबके लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, कि जो जो बुरा करे वो बाहर निकल जाए। नहीं देखो अगर आप बड़े को नहीं पकड़ेंगे तो फिर छोटे को क्यों पकड़ रहे? मैं तो बाहर जाने की बात कर रहा था सर। दुआ करो दोबारा हुकूमत ना आने दे, तुसी वासे भाई ने कहना यार मैनू भी नहीं जान दे रहे। इंशाल्लाह नहीं आएगी, और दुआ भी कर रहे हैं। मगर वो वैसे क्यों पकड़ेंगे भाई इनको, इनका क्या मामला? आपको मिनिस्ट्री तो नहीं मिली अभी तक? नहीं अभी तक तो नहीं। हाँ तो फिर आपको क्यों पकड़े? मिनिस्ट्री मिले तो ही मतलब भी तो आप चाहेंगे कि आपको पकड़े? नहीं ऐसा काम करेंगे तो फिर जरूर। नहीं मेरा मतलब एक्चुअली मैंने बड़े वो गूगली फेंकी आपको कि चाहे पकड़े से मेरी मुराद थी कि आप चाहेंगे कि आपको मिनिस्ट्री मिले? नहीं मिनिस्ट्री तो देखेंगे, मेरे लीडर का फैसला है, जो उनका फैसला। कौन से वाले? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब का? बुज़दार साहब नहीं फैसला करते? बुज़दार साहब भी करते हैं फैसला, लेकिन मिनिस्ट्री जो है वो खान साहब भी, हमारे चेयरमैन भी हैं पीटीआई। वैसे अगर आपको मिनिस्ट्री की ऑफर हो, आपको एक दिन बुला लें, एक दिन संडे को आए हुए खान साहब और आपको सीएम हाउस बुला लें और अंदर कहें कि बताओ आतिफ कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए तुम्हें, तो क्या आप चाहिए? जो मेरे लीडर का फैसला होगा इंशाल्लाह। जो लीडर का फैसला? बिल्कुल। मगर वो फैसला स्लीम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मेरे से ये क्लिप खान साहब तक पहुंच जाए, खान साहब आतिफ सब तैयार बैठे हैं, बस आपने आके एक मिस्ड कॉल मारनी है। पूरी कॉल भी नहीं कर रही हूँ, समझ जाएंगे कि मुझे बुला लिया है। आपको वैसे कोई इंटरेस्ट है मैदा पॉलिटिक्स में? थोड़ा बहुत। कितना? नारा लाके जिंदाबाद से सो जाते हैं। नहीं मतलब मुझे इतना था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी मेरे अंदर जब ये इलेक्शन स्टार्ट हुए थे। और ये मेरा पहला वोट था और मैंने वो इमरान खान साहब को ही दिया था। अच्छा। अभी ये है कि क्यों दिया? चल रही है लेकिन इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी। मैंने सुना है कि आप उधर आ जाए ना फिर वासे भाई। नहीं नहीं क्यों देखे, मैं तो वो पार्टी के ना, हम आपसे पूछना चाहती है सर, जवाब दीजिए। क्योंकि ये काफी लोगों के बिहाफ से मैं पूछ। जी जी प्लीज प्लीज। मैंने सुना है कि इमरान खान साहब कुछ चीजों को लेकर बहुत रिजिड है, मतलब अभी तक वो जितने भी जिस तरह से वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, मतलब अब ये नहीं मुझे पता अंदर की, जाहिर है ऑब्वियसली कितने फैसले कुछ डिसीजन जिस तरह के होते हैं, लेकिन कुछ हैं जिनको लेके अगर वो जिद पे अड़ जाए तो वो अपने घर वालों की भी नहीं सुनते। एक ही बात पे अड़ते हैं जी, ईमानदारी। बिल्कुल, ईमानदारी के मामले पर खान साहब रिजिड हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, और मैं उसमें ऐड कर देता हूँ ईमानदारी और बुज़दार साहब दोनों के मामले में बहुत रिजिड हैं। सही। लेकिन सर मैं कसम देना कि खान साहब ईमानदार ने, वो ईमानदारी के नाल महंगाई हो रही सर। यार ये तुम ना ऐवें ही छेड़ उनकी स्टार्ट कर दिए कि महंगाई हो गई है। महंगाई सर ये तो क्या मायदा महंगाई हुई है? बहुत ज्यादा। ओए होए बहुत ज्यादा हो गई सर, तो आवाम भी ये कह रही है। नहीं वैसे भाई असल प्रॉब्लम ये है कि जो हम पिछले एतबार में कर चुके हैं ना, उसकी वजह से उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप कोई कोई 6-8 माह दें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। 2.5 साल लेंगे, 8 माह और ले लो सर। देखें 2.5 साल में कनाल 1.5 कनाल का घर नहीं बनता जनाब। स्थान पूरा है, खराब हुआ है, इसको ठीक करना है। लग रही है आपको तो फिर दे दें इनको और 2.5-1 साल देना चाहिए। देख लें फिर ना बाद में, वापस 2.5 साल बाद भी कहेंगे ये नहीं नहीं इंशाल्लाह। मैं उनसे कह रहा हूँ शीशे के रोना है, मैं क्यों 2.5 साल दे आई, क्यों दे आई? मगर आप बताइए बिल्कुल एक चांस हर इंसान को मिलना चाहिए, और हर इंसान को मिलना चाहिए सर, कोई मसला नहीं। आप महंगाई करे जाए नहीं, इंशाल्लाह ताला महंगाई पहले से कम सर, लेकिन जिन्नी पीटीआई मेहनत कर रही है ना, मैं कहना अगर 2.5 साल इन्होंने होर देते जाना ना, फिर असी आदि हो जाएंगे। फिर अच्छा हो जाएगा ना, जो काम अच्छा होएगा तो फिर असी आदि हो जाएंगे। हुकूमत के एंड पे तो हर हुकूमत ही चीजें सस्ती और आसानियां फराहम कर देती है। एंड पे तो हर बंदा ही कर जाता है ना जी, दरमियान में करे ना, दरमियान में करके पिछली चीजें नहीं ठीक हो रही अभी तक, जो कर्जे लिए 30,000 अरब लगा हुआ यहाँ पे, वो तो आप लोगों ने वैसे काफी ले लो लिए, हमारी मजबूरी है ना, क्या तो फिर तो सारों की मजबूरी, वो पिछले वाले गए थे उससे पिछले वालों की मजबूरी। 35 साल से बरसरे इत्तदा सर, उन्होंने तो मजबूरी नहीं ले रहे, उन्होंने कड़ा सालगिरह ले सर, उन्होंने अपने पेट की मजबूरी के लिए ली है ना, खान साहब अपने पेट की मजबूरी के लिए नहीं लेंगे, अपनी आवाम के लिए लेंगे। कैसी लग रही है आपको इनकी बातें? लेकिन बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है तो असल में तो लोग उस चीज को मानेंगे ना, जो बातें की हैं आपने उसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएं।
तो वही बात है कि अभी उनकी बात भी ठीक है कि जितना टाइम और जिस तरह उनको मुल्क दिया गया था हमारा, जितना कर्जे में पड़ा हुआ और वो सब कुछ, तो उस हिसाब से उनको टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह होपफुली सब कुछ। तो पता है मुल्क खराब है ना लेंदे इन्हें किने क्या है लोग किसी ने तो ये स्टेप लेना था ना। नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखें एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी रिसेंटली मजदूर अफराद के लिए 2000 पर मंथ, तो पिछले दिनों 65 साल से ऊपर जो हैं बुजुर्ग हमारे उनके लिए लॉन्च किया है, और अब उसमें देखें इतनी क्लैरिटी है, अल्लाह का शुक्र है, ट्रांसपेरेंसी है कि किसी बंदे को ऐड नहीं किया गया, उस बंदों को ऐड किया जो उसके हकदार है। नादरा से लिस्टें नहीं है, जिसकी कोई जमीन नहीं है, घर नहीं है, उन बंदों को वो पैसे मिले। सर नादरा दी फिल्म आई लिस्टा तो कभी नहीं आई। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां साहब वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त आपने ये सूट पहना हुआ है, वैसे आपसे क्या पूछ रहा हूँ मैं, तो खातून से पूछना चाहिए, क्या ख्याल है आपका इनकी फैशन सेंस के बारे में? बिल्कुल बहुत अच्छी ड्रेसिंग की है। तो नवी नवी चली सी अंजी दी वर्दी सी उधर से ली है। ये मैंने संभाल के रखी हुई थी, मजाक है जाना। मैंने इसलिए खातून से पूछा, तुम लोग गलत बात करोगे। आप बताए क्या फैशन सेंस कैसी है आदिल साहब? मैंने बताया बहुत अच्छे इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है ना, लग नहीं रहा ना कि पॉलिटिशियन है। फैशन सेंस अच्छी है, वरना नील कपूर लग रहे हैं यकीन करो। नील कपूर खूबसूरत ही है, कसम है सच्ची में। सर इस तरह कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं आपको? जी बिल्कुल। अच्छा मॉडेस्टी भी नहीं, मतलब देखने को वरना पॉलिटिशियंस बहुत कम है जिनकी फैशन सेंस अच्छी होती है। नहीं नहीं, मगर पॉलिटिशियंस ये भी बड़े कम होते हैं जो आगे से मान जाते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं अमूमन? असेंबली में, फेसबुक पे, असेंबली में। अच्छा फेसबुक पे, और कौन कौन सा सोशल मीडिया यूज करते हैं? ट्विटर यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम में। ओए इंस्टाग्राम भी, अरे वाह। तो ये सब हैंडल क्या है आपका? मियां मोहम्मद आतिफ। मियां मोहम्मद आतिफ के नाम से, और किस किस को फॉलो कर रहे हैं? मैं पीटीआई। नहीं मतलब जितने भी हमारे मतलब कोई और कोई लोग हो जो पीटीआई से ताल्लुक ना रखते हो? नहीं, वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वही हैं या पीटीआई के लीडर्स हैं। और अगर आपको कोई आती है रिक्वेस्ट कि हमें फॉलो करें तो वापस फॉलो बैक करते हैं? जी बिल्कुल कर देते हैं। मायदा आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगी इनको ताकि आपको भी फॉलो करें? आपका किस नाम से इंस्टा हैंडल है? मियां मोहम्मद आतिफ। मोहम्मद आतिफ के नाम से। तो फॉलो करने में क्या है? हाँ आप करना चाहेंगे? मैं बेसिकली करता नहीं हूँ लेडीज को। लेडीज को फॉलो मेरी फेसबुक में कोई फ्रेंड, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਕਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਲੋ। ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮਾਦਾ ਜੋ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਾਰੀਫ ਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ लेकिन आप नहीं है। लेकिन कुछ सोचा तो होगा ना माशाल्लाह। जो मैंने सोचा है उसके करीब करीब तो आप बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतना बुरा हूँ ये? अच्छा कैसे हैं वैसे उनके मसलन रंग कैसे कैसे हैं? कौन वो आपने जो सोचा है वो कैसे हैं? नहीं जो सोचा है वो तो जब जब होगा वो तो तब की बात है ना। लेकिन वो तो इन्हें का आइडिया वो बता देना कि कैसा होना चाहिए ताकि मैं तो फूफो की कुड़ी ना जाके ब्याह करा। नहीं वो आप करें, वो आप तो बताए। नहीं डेफिनेटली जो एक आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए, एक अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। बस तो तीन टाइल आई हो ना की पर्सनालिटी। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, आप सुनिए। वो तो ठीक है ना, वो तो हो गया ना एक सेंस ऑफ ह्यूमर। समझते हैं ना? यही तो समझता हूँ। सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक आजकल के दौर में लॉयल्टी जो है ना वो बहुत कम हो गई है, वो लड़कों में मेरा ख्याल है बिल्कुल भी बहुत कम देखने को मिलती है। आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने मुझसे सवाल किया था तो मैंने आपको बताया था कि पंक्चुअल होना चाहिए, तो आपने कहा था कि पहली लड़की है जो किसी आइडियल बंदे में पंक्चुअलिटी देखती है। हाँ, बिल्कुल। मगर अब आप पंक्चुअलिटी नहीं देख रही हैं? वो तो देखती हूँ ना, वो तो टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो तो चीज ठीक है। अभी तक है स्टिल ठीक है दिखने में, हाइट बाल सिंगर ना बस तू इजी हो जा। नहीं 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 चलेगा। पाने थे आओ दोस्त। अच्छा हाइट कितनी हो?
हाइट भी अच्छी होनी चाहिए डेफिनेटली. लड़कियां जो हैं वो तो छोटी हाइट के हील्स पहन के कवर कर लेती हैं, जैसे कि मैं खुद हूँ, मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी वो एतराज़ नहीं है बताने में. लेकिन जो लड़के हों अगर उनकी हाइट छोटी होगी तो डेफिनेटली फिर क्या कॉम्बिनेशन लगेगा. नहीं, आपके साथ ज्यादा लंबा भी तो पूरा लगेगा ना. तुसी खावत ना जा रहे हो, लोग कह रहे हो ये बच्ची ने स्कूल छड़न जा रहे हैं. अच्छा जी, मतलब लेकिन एक हाइट बराबर होनी चाहिए ना सर. क्यों जी ऐसा, तुसी अब देखिए ना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. हमारे रिसेंटली जो शादी हुई है, इकरा अजीज यासिर हुसैन, हाइट उनकी ठीक है. आप ठीक कह रही हैं कि आप तंजिया कह रही हैं? नहीं नहीं, आप लोगों ने बात की ना तो मैं आप लोगों को बात का जवाब दे रही हूं. अच्छा कपल है ना दिखने में. हाँ. बड़ा आपने हल्का सा हाँ कहा है. आज मुझे लगता है आपके हिस्से का काम इधर चला गया. हाँ नहीं, मेरा भी किस दिन डे ऑफ होता है. नहीं आप पूछें सर को मसला. नहीं नहीं पूछे, मैं तो आराम से एंजॉय कर रहा हूँ. तो तुसी फिर छुट्टी कर रहे हो? मैं तो इनका फैन हूँ मैं. लेकिन मैंने बता दिया ना आपका तो चांस. आप हीरोज में से कोई बता दें कि भाई ऐसा चाहिए मुझे हमारे यहाँ के, पाकिस्तान इंडिया कोई भी हो. नहीं आपको मैं ब्राज़ीलियन बताएं. वो तो फिर बहुत मुश्किल है. हाँ तो फिर जो यहाँ के पता है वहीं के बताइए आप. यहाँ पर फवाद खान बहुत अच्छे हैं. फवाद खान अच्छे हैं, लुक वाइज, ओवरऑल अगर लुक वाइज फवाद खान ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं. और अगर इंडियन मैं उसमें बात करूँ एक्टर तो मुझे सलमान खान बहुत पसंद. सलमान खान, सलमान अच्छा, खान तो 65 साल का चाहिए. असली तो न्यू खान लग रहे हैं जनाब. फवाद खान, सलमान खान. सच्ची फवाद खान उन्होंने लुक्स वाइज कहा है. हाँ. तो आप इंडस्ट्री में हैं तो पंक्चुअल कौन है एक्टर्स में से जो बड़ा पंक्चुअल है? जो यार पंक्चुअल तो जावेद शेख हैं. कभी खान साहब बहुत पंक्चुअल हैं. क्या बात है, पूछ किस लिए रहे मुझे ये समझ नहीं. उन्होंने कहा कि फवाद खान जैसा दिखता हो. हाँ. मैंने कहा हमारी इंडस्ट्री में कोई यंगस्टर में कोई जो पंक्चुअल काम के मामले में. हाँ. तो अगर फवाद खान साहब में भी पंक्चुअलिटी है तो अच्छा. हाँ नहीं, फवाद खान भी पंक्चुअल हैं. उसके अलावा यंगस्टर्स के ना अहमद भट्ट भी पंक्चुअल हैं. नहीं होते पंचर ने जी. यार कितनी बुरी बात. और पंक्चुअल हैं, बहुत से लोग पंक्चुअल होंगे इंडस्ट्री में. अगर कोई मिल गया तो चलेगा ना? नहीं आप मतलब अभी ये वाले सवाल क्यों कर रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि अगली ब्रेक थी करता डबया. Good, how are you? You know, I am really very happy today. Why? You know, I went to the Parani and Arkali. Unnu main tota ke kar ditta nami and Arkali. Okay. ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੈਨ ਦਾ ਜੂਸ ਵੇਚਦਾ ਸੀ. ਬਟ ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ. ਓਕੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨਰ 2 ਲੈ ਲੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਣਾ. ਬਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਕਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਊਲਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਯੂ ਨੋ ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੋਗ ਹੋਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ. ਲੋਕੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜਿਊਲਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ. ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ. ਜਬ ਸੇ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਸੋਨਾ ਹੀ ਮਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਜੂਲਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਗਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਗਮਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ. ਸੁਣ ਵੇ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲਿਆ ਤਰ ਪਿੰਗ ਭੰਗਣਾ ਅੱਧਾ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤਰ ਪਿੰਗ ਟੰਗਣਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਹਾਨੀ ਮੇਰਾ ਬੰਜਾ. ਸੁਣ ਵੇ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਖੋਖਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ MPA ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਟ ਤੂੰ ਆਪਣਾ
माल मचाब विच रख लै ओके ओ फिर आई वेंट टू द थोक जी मार्केट उन्होंने कहा 10,000 रुपए तू देना है 25,000 दा तेनु माल देंगे ठीक है ते बेच के तेरे जदो 65,00,000 रुपए हो जे सन विचों 10,000 रुपए 65,00,000 लखां दा हिसाब है ओदे च बड़ा मार्जिन है 3,000 दी चीज 30,000 रुपए दी बिकदी है तुसी मैनु सिर्फ 10,000 हो देना ते 5,000 रुपए देना बिजली बुजली दा बिल बुल मुझे एक बात बताओ यस आज से पहले मैंने तुम्हें कभी दिया इधर ते जवाब ही कोई नहीं तो फिर मुझसे तुम क्यों मांगते हो बस मेरा दिल कर दिया भी कदी ना कदी ते तुम्हारे अंदर ऐसा साथ कोई करवट लेने इन्होंने एक बार अपने बेटे ने 100 रुपया दिता वो भी लेमिनेशन कराया कि खर्च ना लवे मेरे वास्ते बड़े लकी ने इन्हों की वजह तो मैं किधरों ना किधरों लभ ही जाते हैं ट्राई कर लो शायद आज भी मिल जाए नहीं मैं नहीं स्टूडेंटों को पैसे लेने जदो इमरान खान साहब आए ने मैं उदो मंग ही रहा जो आ गया इमरान मेरी जान ओ बन गया नवा पाकिस्तान ओ बन गया नवा पाकिस्तान ओ चोकलो बन गया लगदा पाइनू नहीं यकीन कि नवा पाकिस्तान बने ओ देखो ओ बन गया नवा पाकिस्तान ओ देखो देखिए आज गुड गाया गए ने बाजी तुसी कोई नहीं अपनी कोई सब बिल जमा करवा लिया जो बिल तो मेरा हो गया इतलात नशरियात होना ही चाहिए तुम पता वजीरे इतलात नशरियात का काम की है आवाम ध्यान नहीं ला के रखना याद है चौधरी सरवर साहब ने एक बार क्रिकेट का मैच होया उन्होंने जनाला बॉल कराया ऐसी शॉट मारी ने बॉल ही गुम हो गया कितने गया सी बॉल श्रीलंका श्रीलंका वाले ने अपने म्यूजियम दे विच 20 रुपये लैके तो दिखाते ने ये था वो ये था ये था वो ये था जी सर उस तो बाद याद है फुटबॉल आइन सिद्धी हेट मारी ने फुटबॉल गया पी उत्ते जाके चीला ने फाड़ लिया अज तक वापस नहीं आया ओए ओए इट्टा मैं समझ गया मैं बुलाया ने कोल मैं कहते ने जा जाके टैला गिण के आ गया फिर मैं गिण के वापस आया मैं कहते ने किनिया ने मैं कह 9 सन मैं 11 कर आया मैनू कहते ने जा वे तेरा बेड़ा गर्क होवे मैं 9 तो घबराई सा मैं कह इहदे विच इक मंतक है ओके क्योंकि उधर 11 पार्टियां ने पीडीएम विच तुसी ध्यान च रखना पीडीएम ते मारनी है हिट सह भी हो जानगी ओए ओए मारे फिर उन्होंने हाथ लै गए ने सारियां इट्टां अच्छा मैं कहना वापस होके खुश होए ने फिर यही उन्होंने बयान में दिता मैं कहना क्या बात है भाई ऐसा ही वजीर इतलात नशरियात होना चाहिए ये जड़ी उन्होंने टैलां तोड़िया ने ओदे अगेंस्ट मैसेज की गया है कि मैं नहीं पता ओ मैसेज का मतलब है वे कि हकूमत को कमजोर ना समझो हकूमत कहीं नहीं जा रही ए तुहानू कौन दसे मियां अफजल निर्गोली ना होगा भाई तुहानू सियासी शऊर किस तरह होगा मां चला मियां आतफ साहब मैं कहना कमाल शाहकोट तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने अच्छा और मैंने खुशी की है ना तो भाई पहली विकेट
ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਿਕਟ ਛੇਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਬਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਲਵ ਮੀਆਂ ਆਤਫ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਈ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਾਬੀ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ ਵੀ ਆ ਅਲੱਗ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾਇਦਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬਾ ਯੈਸ ਓਏ 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 ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੂਟ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਹੈ ਉਨਕਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਚ ਬਿਰਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 150 ਸੂਟ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਖਿੱਚਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵੇਚਦਾ ਜੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪ ਸੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਇਤਨੀ ਪਿਕਚਰਸ ਲੇਤੇ ਹੈ ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਨਕੋ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਐਲਬਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਲੈਂਗੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ ویلکم بیک ٹو مذاکرات جی تو 2020 کا آغاز کریں مائدہ یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود وہ ایک کال اپنی بوریت کل کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب آن علی خان اور جناب اکرم اداس یہ بتائیے لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو اسمائل اور ایک کو کہیں گے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں فہد مصطفیٰ علی ظفر اور حمزہ عباسی تو یہ بتائیے سیلفی کس کے ساتھ ہے علی ظفر اسمائل کن کو دے رہی ہیں فہد مصطفیٰ اور کن کو کہہ رہی کہ فلور آ گیا جو پیچھے رہ گئے وہ کون ہے حمزہ علی عباس اس کے بعد اگلے سوال پہ چلتے ہیں ٹائٹینک پر آپ جا رہی ہیں دو وی آئی پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پہ کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کن کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب میاں عاطف ان کو میں مطلب ان کے ساتھ اب میں بیٹھی ہوں میں ان کو جان چکی ہوں اور بزدار صاحب کو میں جانتی نہیں ہوں تو آئی گیس انہی کے ساتھ تھائیلینڈ کا کوئی فائدہ تو ہے مگر ٹائٹینک ہی گیا آپ نے اپنے ہی ٹائٹینک ختم ہو گیا جی مجھے تو کوئی اب ٹینشن نہیں مگر ختم تو ہو گیا مگر جو آپ نے بزار صاحب کا حق مارا ہے نہیں نہیں ان کا حق کیوں مارا نہیں جی نہیں دیکھ لیں آپ پھر ہیں میری تو منسٹری نہیں ملی یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں سوار مائدہ دو لائف جیکٹ ایک اپنی دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے کس کو دیں گی وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب فواد خان اور جناب کیسر پیا کیسر پیا والی آپشن چینج ہو سکتی ہے نہیں چلے جائیں ان کو دی خوش ہو جائیں گے جی عاطف صاحب آپ بھی بور ہو رہے ہیں آدھی رات کو ایک فون کال کرنے کا بیلنس موجود ہو ایک کال بوریت کل کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب طلال چودھری اور جناب احسن اقبال طلال چودھری کو کال کرنا چاہیں گے یہ بتائیے چاند پر جانے کے لیے ایک اسپیس راکٹ میں آپ بیٹھے ہیں دو سیٹس ہیں ایک اپنا دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جن کو آپ چاند پر لے کے جائیں گے ان کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے آل دو آپ واپس آ جائیں گے آپشنز آپ کے پاس ہیں فیاض الحسن چوہان اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان چینج کریں ایک آدھ بندہ چینج کریں فیاض الحسن چوہان
डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। फिर वही बात, मुश्किल में डाल दिया आपने। जनरल नॉलेज आपके पास है। चले फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान असेंबली की लिफ्ट में एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राजा बिशारत, जनाब अलीम खान और जनाब मियां असलम इकबाल। तो सेल्फी किसके साथ है? राजा बिशारत। किन को दे रहे हैं स्माइल आप? फिर अलीम खान। किन को कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया है? असलम इकबाल। मियां असलम इकबाल साहब, टाइटैनिक पर आप भी वीआईपी पास, एक अपना दूसरे पर किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास मोहतरमा शीरी मजारी और मायदा भट्ट। शीरी मजारी। शीरी मजारी। मायदा आपको लेके नहीं गए, वो देखें साथ, आपने फैसला उनके हक में दिया लेकिन उन्होंने जरा ना लिहाज किया। अपनी अपनी पसंद की बात है। नहीं नहीं वो अपने अपने पसंद की बात है, मजीद उन्होंने जख्मों में नमक छिड़क दिया। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो मायदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्या सुना रहे हैं भैया?